नमस्कार देशवासियों, भारत एट नाइन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। दर्शकों, महाराष्ट्र सबसे विचित्र और चमत्कारी जगह है। महाराष्ट्र इकलौती ऐसी जगह है जहां पर सबसे पहले तो जांच होती है, आरोपी होते हैं, जांचकर्ता होते हैं, विभाग होता है, एजेंसी होती है। कुछ ही समय बाद पासा पलट जाता है। अब जो जांच कर रहा था उसकी कोई और जांच कर रहा है और जो पहले जांच कर रहा था वो जांच क्या हुआ उसका, इसका किसी को पता नहीं। लेकिन जो जांच कर रहा था उसकी जांच होती है और जो जांच कर रहा है दरअसल वही बाद में आरोपी होता है, और जो जांच कर रहा था जिसकी जांच कर रहा था वो बाहर है, और जो जांच कर रहा होता है वो जेल चला जाता है, और उसकी जांच कौन कर रहा है ये आखिर में पता नहीं चला। तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। दर्शकों, सबसे बड़ी चीज ये है कि मुंबई में आज दिवाली पर्व की एक शुरुआत हो चुकी, पिछले साल भी दिवाली पर्व की शुरुआत हो, पिछले साल दिवाली में कुछ लोग अंदर थे जेल और कुछ लोग बाहर थे जो जांच कर। दर्शकों, इस बार फिर दिवाली, जो लोग पिछली दिवाली को जांच कर रहे थे वो इस दिवाली को जेल के अंदर है, और जो लोग पिछली दिवाली को जेल के अंदर थे वो इस बार जेल के बाहर हैं और उनकी जांच पर बात कर रहे हैं। दर्शकों, पिछली दिवाली को दुनिया का अमीर आदमियों की जो लिस्ट होती है उसका एक आदमी जो भारत का सबसे अमीर आदमी है वो इन्वॉल्व, उसका नाम है। भारत का एक बड़ा पत्रकार, उसका नाम है। महाराष्ट्र का एक मंत्री, उसका नाम है। महाराष्ट्र का पुलिस, एक मुंबई का पुलिस कमिश्नर, उसका नाम है। और इसी मुंबई पुलिस का एक इंस्पेक्टर, इसका नाम। सबसे अमीर आदमी के घर के बाहर एक कार मिलती है, कार किसकी है, उसमें जो चीजें मिली थी जिसको विस्फोटक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था उसकी जांच कर रहा था सचिन वाजे। बाद में पता लगा कि सचिन वाजे ही दरअसल वो आदमी है जो जांच कर रहा था। सचिन वाजे वही वो आदमी है जिसने उस कार के मालिक की हत्या करकर उस कार को वहां रखा। सो स्ट्रेंज। और दर्शकों, इसके बाद पता लगता है कि वो सचिन वाजे जो एक बड़े पत्रकार को गिरफ्तार करता है और जिसमें परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर भी इन्वॉल्व है, ये सब लोग तो एक रैकेट चला रहे थे वसूली का, 100 करोड़ की वसूली, करोड़ों की वसूली, सबसे वसूल ले, पूरी मुंबई से वसूल, और वसूली करके देनी कहां है, वसूली करके देनी है सरकार में जो गृह मंत्री है उनको। अजीब विडंबना भी, ये सब कुछ मसाला जो बॉलीवुड फिल्मों की तरह जो रायता है, ये सब फैला सिर्फ मनी भाई के चक्कर में। हर किसी को मनी भाई पसंद है, हर कोई मनी भाई चाहता है। तो पिछली दफा पत्रकार अंदर था और सचिन वाजे, परमवीर सब बाहर थे, आज क्या असलियत है? पत्रकार बाहर है, सचिन वाजे जेल में है, परमवीर सिंह फरार है और गृह मंत्री हिरासत में। मखौल है ये सिस्टम का, सिस्टम का सबसे बड़ा मजाक। और आज एक बार फिर तस्वीरें वही। समीर वानखेड़े नाम का एक अधिकारी एनसीबी का, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया का एक अधिकारी, एक एक्टर के बेटे को गिरफ्तार करता है। बेटा गिरफ्तार होता है, बेटा बेल पर बाहर आ चुका है, लेकिन ना जाने कहां से सरकार के एक मंत्री नवाब मलिक ये कूद गए। ये उसकी शादियों पर सवाल कर रहे, उसके धर्म पर सवाल कर रहे, तमाम चीजों पर सवाल कर रहे, ये कहां से आए? मतलब मंत्री के पास मैंने आज कोई काम नहीं है, एक अधिकारी पर सवाल, एक अधिकारी के पीछे पड़े हुए, और अधिकारी पर भी आरोप है कि इतने करोड़ लेने की बात की, इतने करोड़ लेकर मांडोली करने की बात। तो सारा सिस्टम जो है मुंबई का, यह ऐसा सिस्टम है कि जो आज जांच कर रहा है वो कब जांच करते करते उस पर जांच हो जाए, कब वो जेल चला जाए कुछ पता। तो मुंबई बड़ी विचित्र है, महाराष्ट्र बड़ा विचित्र। नवाब मलिक आज समीर वानखेड़े के पीछे, ये समीर वानखेड़े कल तक
आर्यन खान के पीछे था और आर्यन खान उससे पहले क्रूज में नशे पत्ती के पीछे। खैर सारा सिस्टम है, एक साथ मिलकर काम कर रहा है, लेकिन इस सिस्टम में जो सबसे बड़ा जो खेल है वो मनी भाई का, द मनी। सबको मनी चाहिए, सबको मनी। तो दर्शकों पिछली दफा पिछले साल दिवाली के ही मौके पर जो पूरी तिगड़म भिड़ी थी उसका असली माफिया जो पता लगा बाद में, वो पता लगा कि उस समय उस वक्त जो गृह मंत्री थे वही सब कुछ थे देश में। और इनको पर आरोप कौन लगा रहा है, जो फरार है परमवीर सिंह, तत्कालीन पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई, वो फरार हैं। लेकिन वो कह के गए हैं कि 100 करोड़ की वसूली करवाते थे ये तत्कालीन जो गृह मंत्री हैं देशमुख, अनिल देशमुख। तो अनिल देशमुख को लेकर चर्चा आम है, पिछली दफा अनिल देशमुख भी आज के नवाब मलिक की तरह आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, लेकिन आज गृह मंत्री पद छिन चुका है और फिलहाल जो है वो हिरासत। एक रिपोर्ट तैयार की है अनिल देशमुख को लेकर, इस रिपोर्ट को जरा आप देखिए। सौ करोड़ की वसूली मामले में आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की दिवाली ईडी की हिरासत में मनी की। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें 6 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। देर रात देशमुख को तकरीबन 13 घंटे की पूछताछ के बाद अरेस्ट किया गया था। अदालत ने देशमुख द्वारा कस्टडी में घर का खाना देने और पूछताछ के दौरान उनके वकील को उनके पास रहने की अर्जी को मान लिया है। वे कई दिनों तक लापता रहने के बाद सोमवार सुबह 11:55 पर अचानक प्रवर्तन निदेशालय ईडी दफ्तर पहुंचे थे। देशमुख को ईडी ने 5 बार पूछताछ के लिए समन किया था, लेकिन हर बार उनके वकील इंद्रपाल सिंह ही ईडी ऑफिस पहुंचे थे। उनकी दलील थी कि देशमुख 75 साल के हैं और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से वे पेश नहीं हो सकते। देशमुख की दिवाली अब ईडी की कस्टडी में मनेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने 14 दिन की कस्टडी मांगी थी। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में जज पीबी जाधव ने दोनों पक्षों की दलीलें तकरीबन 3 घंटे तक सुनी। ईडी की ओर से एएसजी अनिल सिंह ने जमानत का विरोध किया था। देशमुख की ओर से सीनियर वकील विक्रम चौधरी पक्ष रख रहे थे। लंबी बहस के दौरान चौधरी ने कस्टडी खारिज करने और जमानत की मांग की थी। इससे पहले 13 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने पाया कि देशमुख की तरफ से किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर तासीन सुल्तान और उनकी टीम ने देशमुख से लगातार पूछताछ की। अब इस मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी संभव है। पिछले हफ्ते देशमुख की उस याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने ईडी के समन को रद्द करने की मांग की थी। ईडी 100 करोड़ की वसूली मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रही है। देशमुख के साथ उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख और पत्नी को 2 बार पूछताछ के लिए तलब किया गया था, लेकिन वे भी ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे थे। माना जा रहा है कि देशमुख के बाद आज या कल तक उनके बेटे और पत्नी भी ईडी के सामने हाजिर हो सकते हैं। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि मुंबई पुलिस में क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का हेड रहते हुए सचिन वाजे ने दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 तक मुंबई के ऑर्केस्ट्रा बार से 4,70,00,000 रुपए की वसूली की थी, जिसे बाद में सहायक के जरिए अनिल देशमुख को सौंप दिया गया। ईडी को नागपुर स्थित एक चैरिटेबल ट्रस्ट श्रीशाई शिक्षण संस्था के बारे में भी पता चला। इस ट्रस्ट को देशमुख का परिवार चला रहा है। ईडी का दावा है कि दिल्ली की एक शेल कंपनी के जरिए इस ट्रस्ट को 4,18,00,000 रुपए का चंदा मिला है। इस ट्रस्ट को उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख ने स्थापित किया था। इसके बाद यही रकम डोनेशन के रूप में श्री साई शिक्षण संस्था को ट्रांसफर कर दी गई। इसी को मनी लॉन्ड्रिंग मानते हुए ईडी ने देशमुख को गिरफ्तार किया है। ईडी के सामने पेश होने के बाद देशमुख के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट हुआ। इसमें देशमुख ने कहा, जब जब ईडी ने समन किया मैंने उनका सहयोग किया। मैंने पहले ही कहा था कि मेरी याचिकाएं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इनके निपटारे के बाद मैं ईडी ऑफिस आऊंगा। 2 बार सीबीआई ने मेरे यहां रेड की, उसमें भी मैंने पूरा सहयोग किया।
अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मेरा फैसला आया नहीं है, लेकिन मैं खुद ही ईडी दफ्तर आया हूं। मेरे ऊपर परमबीर सिंह ने गलत आरोप लगाए थे, आज वही परमबीर सिंह विदेश भाग गए हैं, ऐसी खबर मीडिया के माध्यम से आ रही है। उन्हीं परमबीर सिंह के खिलाफ पुलिस विभाग में कई शिकायतें दर्ज हुई हैं। इससे पहले वकील के जरिए भेजे गए एक पत्र में देशमुख ने उनके मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने का हवाला दिया था। अनिल देशमुख ने ईडी को लिखे अपने पत्र में जांच एजेंसी की ओर से ताकत और अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि अभी तक मुझे ईडी की तरफ से ईसीआईआर की कॉपी या अन्य दस्तावेज नहीं दिए गए हैं, जिससे साफ होता है कि यह समन केवल मीडिया में सनसनी फैलाने के लिए भेजा गया है। मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर और मौजूदा होमगार्ड डीजी परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया है, जिसके लिए अनिल देशमुख को महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस मामले में देशमुख के खिलाफ पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था और फिर उसमें मनी ट्रेल की जानकारी मिलने के बाद ईडी की एंट्री हुई। ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। सीबीआई दो बार देशमुख के ठिकानों पर छापेमारी भी कर चुकी है। इस मामले में देशमुख के पीए संजीव पलांडे और पीएस कुंदन शिंदे को अरेस्ट किया था। दोनों फिलहाल केंद्रीय एजेंसी की कस्टडी में हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में देशमुख की मदद की थी। इधर देशमुख ने ईडी की पूछताछ से बचने के लिए एक पत्र लिखा था। इसी मामले में 15 दिन पहले देशमुख और उनके परिवार की 4.2 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया था। इसमें नागपुर का एक फ्लैट और पनवेल की एक जमीन शामिल है। इसी मामले में देशमुख के पीए संजीव पलांडे और पीएस कुंदन शिंदे को अरेस्ट किया गया था। दोनों फिलहाल केंद्रीय एजेंसी की कस्टडी में हैं। यह मामला देशमुख पर लगे वसूली के आरोपों से जुड़ा है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने करीब 2.5 महीने पहले राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने ही मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। इसी से जुड़े मामले में सीबीआई ने रविवार को पहली गिरफ्तारी की थी। सेंट्रल एजेंसी ने ठाणे से संतोष शंकर जगत्ताप नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा है। फिलहाल वह 4 दिन की कस्टडी में है। जगताप को अनिल देशमुख का मिडिलमैन बताया जा रहा है। सीबीआई ने कुछ दिन पहले कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट लीक करने के मामले में अनिल देशमुख के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। 2 सितंबर को जांच एजेंसी ने देशमुख के वकील आनंद दागा और अपने ही सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी को भी अरेस्ट किया था। तो पिछली दिवाली जहां एक तरफ एक पत्रकार को पकड़ने में बीती, जहां पिछली दिवाली एक पत्रकार की जेल में बीती, वहीं इस बार की दिवाली जहां अनिल देशमुख की कस्टडी में बीतने वाली है, परमबीर सिंह की भागम भाग में बीतने वाली है, तो वहीं सचिन वाजे की दिवाली जेल में बीतने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। द मुंबई सिस्टम इज एन एब्सर्ड सिस्टम। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुंबई का जो पूरा सिस्टम है उसको समझिए थोड़ा सा। एक पुलिस का अधिकारी, एक पुलिस का कमिश्नर और सरकार का गृहमंत्री, जिसकी जिम्मेदारी है कि लाखों परिवारों को एक बेहतर जीवन दे, क्योंकि वो सरकार में है, सत्ता में। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। किसके? पैसा। मतलब गृह मंत्री कहता है पुलिस के अधिकारी से कि आपको 100 करोड़ रुपए लेकर आने हैं जनता का खून चूस कर। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उनका खून चूस कर 100 करोड़ रुपए लाकर मुझको तो ये चल रहा है। और पुलिस कमिश्नर क्या कर? पुलिस कमिश्नर अपने समकक्ष एक और अधिकारी से, अपने अंडर में, जो उसके अंडर में काम कर रहा है, सचिन वाजे, उससे कहता है ठीक है गाड़ी रखो, मर्डर करो। और इस सबसे पैसे वाले आदमी से, जिसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दरअसल इन्हीं लोगों की है, यही लोग उसके लिए खतरा पैदा। दिस सिस्टम, मुंबई सिस्टम। दर्शकों, मुंबई
जो कि कल तक अंडरवर्ल्ड के लोगों का लिए एक स्थान था, वहां पर अंडरवर्ल्ड हुआ करता था। अंडरवर्ल्ड अभी गया नहीं, जो आपसे कहता है कि अंडरवर्ल्ड चला गया है आपको झूठ में रखा, अंडरवर्ल्ड कहीं नहीं गया, अंडरवर्ल्ड अभी भी है। लेकिन अब दरअसल अंडरवर्ल्ड के चेहरे बदल गए। दर्शकों, अगर सचिन वाजे ने वहां पर गाड़ी रखी थी और पुलिस कमिश्नर को यह सब कुछ पता था और गृह मंत्री के आदेश पर यह सब कुछ हो रहा था और 100 करोड़ की वसूली भी हो रही थी, तो ये अंडरवर्ल्ड के लोग नहीं तो और कौन? कल तक तो ये सब कुछ अंडरवर्ल्ड का, बस अंडरवर्ल्ड ने अब वर्दी पहनी, अंडरवर्ल्ड ने अब सरकार के अंदर कदम रख लिया है। सब लोग वसूली कर रहे हैं, हवाला रैकेट्स चला रहे हैं, सब चीज जो कि त्यों हो। बस फर्क है कि अब इनके चेहरे बदल गए। वरना सोचिए, जिस मंत्री की जिम्मेदारी दरअसल उस स्टेट के लोगों को बेहतर सुविधा देना, उस स्टेट के लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना था, वो उन्हीं लोगों के सहारे जिसको इस काम में लगाया जाना था, सुरक्षा दी जानी थी, ये पुलिस कमिश्नर परमवीर दिख रहा होगा, ये फरार है। सब लोग मनी भाई के, ईच एंड एवरीवन वाज वर्किंग टू गेट मनी, टू एक्सटॉर्ट मनी, ईच एंड एवरी व्यूअर्स, दे वर जस्ट वर्किंग टू एक्सटॉर्ट मनी एनी हाउ। दे वर मिसयूजिंग देयर पावर्स, दे वर मिसयूजिंग देयर पोजिशंस, दे वर मिसयूजिंग द राइट्स दे वर गिवन, सब कुछ गलत। मतलब पैसों के लालच में इन लोगों ने सामान्य लोगों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल दिया और हत्या तक कर दी। फॉर व्हाट? फॉर मनी। एक अधिकारी पुलिस का, एक इंस्पेक्टर एंड देन पुलिस कमिश्नर एंड देन द होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट, सभी लोग मिलकर एक सिस्टम चला, एक नेक्सस चला। सुशांत सिंह राजपूत सीबीआई केस और उससे पहले इन्होंने लगातार सबूतों के साथ छेड़छाड़ की, लगातार केस को टैम्पर करने की, केस को लंपन करने की, दे ट्राइड वेरी हार्ड। पालघर में साधुओं की हत्या हुई, दे वर द रियल कॉन्स्पिरेटर्स, आई विल कॉल इट लाउड, दे ट्राइड वेरी हार्ड to distract the matter, because they are not in power to serve the people of that state, but they in power to encash the money. और आज भी वही हो रहा है आपकी आंखों के सामने, वही चीज एक साल बाद वही दोहराई जा रही। समीर वानखेड़े अगर किसी को गिरफ्तार करता है एंड देन ही लेवल चार्जेस और फिर जांच हो रही है, तो इसमें एक मंत्री नवाब मलिक को क्यों तिलमिलाहट, क्यों परेशान हो रहे हैं? समीर वानखेड़े की कितनी शादियां हुई, इसका इस केस से कुछ लेना देना है? बिल्कुल नहीं। समीर वानखेड़े का धर्म कौन है, कोई इंटरेस्टेड है? बिल्कुल नहीं। और होते 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 होते, होते, होते आखिर में कह दिया कि समीर वानखेड़े तो रुपए मांग, समीर वानखेड़े तो चाहते थे कि उनको रुपए मिल जाए। कुछ समझे? सेम सिस्टम, सेम गवर्नमेंट, सेम ब्यूरोक्रेसी, सेम पुलिस कमिश्नरी एंड द सेम स्टोरी। तो क्या महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बॉलीवुड के लिए काम करती है, बॉलीवुड माफियाज के लिए काम करती है? क्या पुलिस कमिश्नरेट मुंबई का करप्ट है एंड दे जस्ट वर्क फॉर द मिनिस्टर्स हु आर ट्राइंग टू एक्सटॉर्ट मनी, दे वर वर्किंग फॉर देम और नॉट?
सेम सिस्टम, सेम स्टोरी, सेम गवर्नमेंट, सेम ब्यूरोक्रेसी, सेम पुलिस कमिश्नर, सेम पुलिस सिस्टम, एवरीथिंग इज सेम एंड द स्टोरी इज सेम टू। लेकिन लोग सब कुछ देख, जनता सब कुछ देख। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात हुई, तब तक के लिए शुक्रिया।